कानपुर हत्याकांड का मोस्ट वांटेड विकास दुबे और उसके गुर्गो की तलाश में औरैया पुलिस ने भी सघन सर्च अभियान शुरू कर दिया। फरार बदमाशों के जिले की सीमा के अंदर सार्वजनिक स्थानों पर फोटो पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं। जनपद की लगने वाली सीमा दूसरे जनपदों की सीमाओं पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जनपद की सीमाओं के अंदर प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर विशेष निगरानी भी रखी जा रही है। बता दें 2 जुलाई को कानपुर के बीकरू गांव में 8 पुलिस कर्मी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे गैंग की गोलियों के शिकार बने थे। तब से पूरे प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ विकास और उसके साथी बदमाशों की तलाश कर रही है। औरैया में हत्याकांड के दूसरे दिन ही प्रॉपर्टी डीलर अमित दुबे की कार लावारिस हालत में मिलने पर सनसनी फैल गई थी। कार मालिक अमित तभी से लापता है। लावारिस कार की विकास गैंग से संबंध होने की अफवाहें भी फैली। इस मामले पर भी औरैया पुलिस गहन जांच कर रही है। आज जनपद औरैया में बॉर्डर सील कर एक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। हम प्रयास यही करें कि निरंतर ये अभियान किसी न किसी रूप में चलता रहे। स्पेशली अंदर आते हुए व्हीकल्स जितने भी हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के या टैक्सीज या कोई संदिग्ध मूवमेंट जो हमको नजर आ रही है, उनको रुकवा रुकवा कर चेक किया जा रहा है। हमारे 12 चेकिंग पॉइंट इसमें निर्धारित किए गए हैं जिस पर चेकिंग की जा रही है। इसी के साथ साथ कुछ फोटोज और पोस्टर्स हैं जो हमको कानपुर के माध्यम से मिले हैं, उनको हमने जितने पब्लिक प्लेसेज यहाँ पर थे वहाँ पर चस्पा करवा रहे हैं, ताकि जितना हो सके उतना प्रचार हो सके और जितने भी वांछित अभियुक्त हैं उनका फोटो।